हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए मास्टर वीडियो ऑफ मेंसुरेशंस फार्मूला। यहां पे आपको ए टू जेड मेंसुरेशंस का फार्मूला देखने के लिए मिलेगा विथ इमेजेस, आपको इमेज के साथ मिलेगा और यहां पे जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि बिना याद किए ही सारा फार्मूला आपको याद है। प्लस में ये सारे फॉर्मूला हमको याद कैसे है वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे ताकि आप क्या कर सके, चीजों को याद रख सके और जब ये यूज हो तो आप इसको अच्छे से यूज कर सके। यहाँ पे आपको फिगर के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सारा एक एक फिगर को तीन चार वे से इसलिए हम शो कर रहे हैं ताकि आप इमेजिन कर सको कि एक्चुअल में किसी फिगर के बारे में अगर बात हो रहा है तो उसका किस पोर्शंस के बारे में बात हो रहा है, वो चीजें अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा ये फिगर के साथ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना जिससे आप चीजें समझ सको अच्छे से। और ये सारा एक बार अगर आप कर लेते हैं फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको ये सारा फॉर्मूला ए टू जेड याद होना चाहिए और आज हम आपको याद करवा ही देंगे। यहाँ पे टोटल आपको 90 फॉर्मूला अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट ट्रायंगल से। बट इसके पहले आप थोड़ा सा ये देख लो कि जो 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्यों है। तो एक्चुअल में ये इसलिए लिखा हुआ है कि सपोज स्क्वायर के सामने अगर 6 लिखा हुआ है मींस हम आपको स्क्वायर से रिलेटेड 6 फॉर्मूलाज बताएंगे, रेक्टेंगल से रिलेटेड 6 फॉर्मूला बताएंगे, पैरेललोग्राम से रिलेटेड 4 फॉर्मूलाज बताएंगे। ऐसा इसलिए लिख दिए ताकि आपको जब हम बता रहे हो तो एक भी फॉर्मूला आपका छूटे नहीं, क्योंकि अगर हमको पता रहेगा कि इसमें हमको 6 बताना है तो हम आपको 6 बताएंगे ही, वहां पे छूटेगा नहीं एक भी फॉर्मूला, इसलिए आपको बोल रहे हैं ए टू जेड फॉर्मूला। तो अब हम लोग बात करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लो कि जितने भी फिगर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं 2D फिगर और एक होते हैं 3D फिगर। ये ऑलरेडी आप जानते होंगे 2D फिगर जो होता है उसमें हम लोग 2 चीजें निकालते हैं, पेरीमीटर और उसका एरिया, और जो 3D फिगर होता है उसमें हम लोग फाइंड करते हैं उस फिगर का वॉल्यूम और उसका कर्व सरफेस एरिया, मीन सरफेस एरिया बेसिकली, वो सारा चीजें हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2D फिगर ही देखेंगे। इसमें मेन जो आता है एक आता है आपका ट्रेंगल, सेकेंड आता है क्वाड्रिलेटरल और थर्ड जो आता है वो आता है सर्कल। यही 3 फिगर आपका बेसिकली यूज होता है आपका 2D फिगर में। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे ट्रेंगल। ट्रेंगल में अब आप देखो कि एक टाइप का ट्रेंगल का फॉर्मूला नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रेंगल का, या फिर जिसको हम लोग नॉर्मल ट्रेंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ट्रेंगल है ये आपका है राइट एंगल ट्रेंगल, और ये जो 2 ट्रेंगल है ये आपका कोई नॉर्मल ट्रेंगल है। अब नॉर्मल ट्रेंगल का अगर हम पहले एरिया का बात करें तो आपको पता होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एक नॉर्मल ट्रेंगल का फॉर्मूला। और राइट एंगल ट्रेंगल में भी यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइट हो गया और ये इसका बेस हो गया, तो ये फॉर्मूला इसमें भी यूज हो सकता है। अगर कोई ऐसा ट्रेंगल है ए बी सी तो इसमें आपका क्या होगा, आपका यहां से यहां तक तो ये बेस हो जाएगा बट हाइट कौन सा होगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, तो इसमें भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और थर्ड जो है कि अगर कोई ऐसा ट्रेंगल बना हुआ है तो इस सिचुएशन में इसका बेस आपको यहां से यहां तक के लिए लेना है बट हाइट जो लोगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए बेस पे, तभी आप उसी को हाइट बोल सकते हैं, आप इसको हाइट नहीं बोल सकते ये वाले लाइन को। ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इसका एरिया आपका राइट एंगल ट्रेंगल का और नॉर्मल ट्रेंगल का। अब अगर हम इसका पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर में अगर ये दोनों ट्रेंगल है तो सिंपली इसका सारे साइड को ऐड कर दो, वही क्या होता है उसका पेरीमीटर, मींस लेंथ ऑफ दिस दिस एंड दिस, मींस अगर ये बी है इसको सी और इसको ए सपोज कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इस ट्रेंगल का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इसको ये बी है यहाँ पे सी और यहाँ पे ए सपोज कर लोगे तो इसका भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा पेरीमीटर। और यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल में अगर ये बी है सपोज किए हैं और एच फोर यहाँ पे हाइट है तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं अभी टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एच प्लस टी प्लस बी, ये इस ट्रेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रेंगल का जो कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब इक्विलेटरल ट्रेंगल यहाँ पे आपको दिखता रहेगा हम कौन सा ट्रेंगल का बात कर रहे होंगे।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको टोटल चार फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। अब कौन कौन सा है? एक है पेरीमीटर, एक है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले अगर इसका पेरीमीटर का बात करें तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे हम इसका साइड को क्या सपोज कर लिए हैं, ए सपोज कर लिए हैं। तो पेरीमीटर में क्या होता है, सारा साइड को ऐड करना है, ए प्लस ए प्लस ए, मीन्स इसी को आप क्या लिख सकते हैं, थ्री ए। इसी को आप लिखते हैं थ्री इंटू साइड बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाता है पेरीमीटर, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। अब अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का, तो एरिया देखो हम लोग जनरली आध भी रखते हैं और आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, पहले तो देख लो होता क्या है, रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड स्क्वायर, ये आपका इसका क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट अगर आपको आध ना हो तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप इस पे एक हाइट ड्रॉ कर सकते हैं और यहां पे ये जो पूरा ए वैल्यू है इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ए बाय टू हो जाएगा और ये बाय टू, यहां पे आपको ए बाय टू दिख रहा है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको डिजिट दिखेगा और डिजिट मीन्स अगर यहाँ पे एट है तो आप इसको फोर फोर कर लोगे और आप यहां से क्या कर लोगे, ये आप देखो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। इस दोनों को यूज करके आप क्या निकाल लोगे, हाइट, और अगर हाइट मिल गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गया, बट फॉर्मूला आध है तो आपको सिंपली फाइंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हाइट फाइंड करना हो तो कैसे आप करोगे, इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, रूट थ्री बाय टू इंटू साइड, रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। बट अगर आपको फॉर्मूला ना याद हो तो अभी बताएं कैसे आप हाइट फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली आप ऐसे ही हाइट फाइंड कर लेना। अब अगर हम बात करें साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको तब फाइंड करना है जब आपको पेरीमीटर गिवन हो, और पेरीमीटर के केस में क्या हो जाएगा, सिंपली पेरीमीटर अपॉन थ्री, इसी को आप क्या बोलोगे, साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल फार्मूला भी फर्स्ट में देखने के लिए मिलेगा, मे बी ये सारे फार्मूला आपको याद हो, बट कोई कोई आपको ऐसा भी दिखेगा जो आपको कम्प्लीटली नहीं याद होगा, बहुत सारे न्यू चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो, वो ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें भी आपको सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा और पेरीमीटर में आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स यहाँ पे ए प्लस बी, मीन्स एक्चुअल में टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब अगर इसका आप एरिया का बात करो तो इसका एरिया एक्चुअल में आपको आध भी रख सकते हैं, बट जनरली इसका एरिया आध नहीं रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको आप इसका जो फॉर्मूला वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो इसका फॉर्मूला होता है बी बाय फोर इंटू रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसको हम कैसे याद रखते हैं वो देखो, ये है बी और यहाँ क्या है फोर, बी बाय फोर, यहाँ फोर से एंड हो रहा है तो हम इसको फोर से स्टार्ट करेंगे रूट के अंदर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप आध रख सकते हैं। आध नहीं है, सिंपल ये करो ना, यहाँ पे क्या करो, हाइट ड्रॉ करो, ये हाइट हो जाएगा, ये बी वैल्यू है, इधर बी बाई टू हो जाएगा, ये बी बाई टू हो जाएगा, इस ए और बी बाई टू यूज करके आप क्या निकाल लोगे, हाइट। और अगर आपको एक बार कोई ट्रायंगल का हाइट मिल गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके आप निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल का एरिया। तो इसलिए आप फॉर्मूला तो याद रखने का ट्राई करो, बट उसको आप नहीं याद है तो कैसे निकालते हैं वो भी माइंड में रखा करो, वो ही आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब अगर हम बात करें कि हाइट ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी जस्ट हम लोग निकाल रहे थे, तो इसका देख लो क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस b बाय टू का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से h इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर, ये सारा रूट के अंदर होगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फोर नीचे बच रहा है उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, टू। ये आपका एक्चुअल में इसका हाइट आ जाएगा, इसको आप फाइंड कर सकते हैं।
तो हाइट का फॉर्मूला आप आद भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही फाइंड करो तो ज्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले ट्रेंगल का, जिसको बोलते हैं अस्केलन ट्रेंगल। अब देखो अस्केलन ट्रेंगल जो है वो सारे ट्रेंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला को यूज करके हम लोग अस्केलन ट्रेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अब बात आता है कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले एरिया से पहले आप इसका पेरीमीटर देख लो कि पेरीमीटर क्या होता है अस्केलन ट्रेंगल का। सिंपल है, जो उसका साइड है उस सारे साइड को ऐड कर तो वही हो गया पेरीमीटर। तो यहाँ पे मींस की पेरीमीटर को आद करने का जरूरत है ही नहीं किसी भी ट्रायंगल में, वो तो ऑटोमेटिक आद ही रहेगा क्योंकि सारे साइड को केवल ऐड करना है। अब अगर हम बात करें कि इसका हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं एस का। अब एस क्या होता है, एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स क्या, देखो ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो गया, इसी को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर। अब इसी का एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरोन्स फार्मूला जिसको हम लोग अस्केलन ट्रायंगल में यूज करते हैं। बट इस फॉर्मूले को आप किसी भी ट्रेंगल में यूज कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है हीरोन्स फॉर्मूला का। मींस इसको आप आइसोसेलेस में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप अस्केलन में भी यूज कर सकते हैं। मींस वो ट्रेंगल जिसमें 3 साइड्स गिवन हो, सारा साइड्स गिवन हो, उस वाले ट्रेंगल में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइट ऑफ अ स्केलन ट्रेंगल। अब देखो अगर आपको हाइट फाइंड करना है तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है। क्या, देखो आप इसको सिंपली ऐसे हाइट फाइंड नहीं कर सकते। रीजन क्या है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लेंथ है ये दोनों डिफरेंट है, और डिफरेंट लेंथ है तो यहाँ पे देखो अगर ये b है तो ये क्या हो जाएगा b by 2। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आप c और b by 2 यूज करके हाइट निकालोगे, और यहाँ पे a और b by 2 यूज करके हाइट निकालोगे, तो इधर से जो हाइट निकालोगे और इधर से जो हाइट निकालोगे वो दोनों डिफरेंट आएगा। अब सेम लेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट हाइट कैसे हो सकता है, मींस आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। फिर कैसा करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया इसका फाइंड करना ही पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला को यूज करके। और अगर आप एरिया फाइंड कर लिए, अब आपके पास क्या है एरिया है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं बेस को यूज कर सकते हैं। और एरिया और बेस को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं हाइट, कैसे, देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही क्या होता है आपका एरिया का फॉर्मूला। अब अगर आपके पास एरिया मिल जाए और अगर आपके पास बेस मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, h इक्वल्स टू ये 2 इधर क्रॉस कर लो 2a और अपॉन ये b, तो h इक्वल्स टू ये फॉर्मूला हो जाएगा। बट आपको इसके लिए पहले एरिया फाइंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अस्केलन ट्रायंगल का हाइट नहीं निकाल सकते। तो यहां तक आपका क्या हो गया, ये 4 ट्रेंगल हम लोग देख लिए। बट हम आपको एक स्पेशल ट्रेंगल भी बता रहे हैं जो शायद अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे और इसका भी यूज होता है। अब वो कौन सा है स्पेशल ट्रेंगल, ये है आपका एक स्पेशल ट्रेंगल। यहाँ पे क्या होता है कि कोई ट्रेंगल का ये 2 साइड गिवन होता है और एक थीटा गिवन होता है। अगर आप क्लास 9 में है तो मे बी आप इस ट्रेंगल के बारे में नहीं जानते होंगे, बट अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो मे बी आप इसको जानते होंगे कि अगर 2 साइड गिवन हो और बीच में अगर थीटा एंगल हो तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्पेशल ट्रेंगल 1/2 इंटू यहाँ पे ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा क्लास 9 के स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे बट क्लास 10 के स्टूडेंट पढ़े होंगे, तो इसका एरिया आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर इसी में दोनों साइड सेम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आर इंटू आर इंटू साइन थीटा, मीन्स सेम चीज़ है बट केवल यहाँ पे हम लोग क्या किए दोनों को एक साथ लिख दिए, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको आगे चल करके देखने के लिए मिलेगा कि हाँ हम इस फॉर्मूले को आगे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये फॉर्मूला भी बता दिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जितना भी ट्रेंगल का ए टू जेड फॉर्मूला था वो आपका क्लियर हो गया, मीन्स इसके बाद ट्रेंगल का और कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ गया आपको, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो साथ साथ नोट करते जाओ, नहीं तो हम ट्राई करेंगे आपको लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड कर दे ताकि आप वहां से इसको रिवाइज भी कर सके। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में टोटल 6 टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है।
एक है स्क्वायर, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और एक स्केलिन क्वाड्रिलेटरल या फिर इसको आप बोल सकते हैं जेनरल क्वाड्रिलेटरल। ये सारे का हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा फार्मूला देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग के पास जो आता है वो आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड इक्वल होता है, मींस ये सारा साइड इसका क्या है, इक्वल है। अब अगर हम आपको इसका पेरीमीटर पूछे तो ऑब्वियसली आप क्या बताओगे, सारा साइड को आपको सम करना है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स एक्चुअल में 4a, जिसको आप 4 साइड भी लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखने का कोशिश ही ना करें किसी भी फिगर में। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो डायरेक्ट उसका साइड को ऐड करके आप पेरीमीटर लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो ट्राई करो पेरीमीटर का फॉर्मूला किसी भी फिगर का आधे नहीं रखो, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपको साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर का तब बात कर रहे हैं जब आपके पास पेरीमीटर गिवन हो। अगर पेरीमीटर गिवन हो तो साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या हो गया, सिंपली यहां पे देखो ये जो 4 आपको दिख रहा है वो इसको इधर डिवाइड करना है, मींस पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर अपॉन 4 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब हम थर्ड बात करते हैं एरिया का। एरिया क्या होता है, एरिया मीन्स जनरली किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का हम लोग क्या करते हैं, उसका इस वाले पोर्शंस को और इस वाले पोर्शंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो उसका क्या आ जाता है, एरिया। और यहाँ पे आप देखोगे ए भी ए है और ये भी ए है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, या फिर इसको आप जनरली साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर तब का बात कर रहे हैं जब आपके पास एरिया गिवन हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली रूट अंडर ए, मीन्स एरिया को अगर आप अंडर रूट लगा देते हैं तो वही आपको क्या दे देता है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब बात करते हैं अगेन एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर अगेन क्या होगा, यहाँ पे आप देखो कोई भी जो रेक्टेंगल मीन्स कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एक बेसिक फॉर्मूला है एरिया का, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ अ डायगोनल। और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यहाँ पे जो डायगोनल है उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है स्क्वायर के केस में। मीन्स ये दोनों डायगोनल क्या होगा इसका, सेम, दोनों को डी डी बोल दिए, मीन्स एक्चुअल में 1/2 इंटू डी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। मीन्स अगर डायगोनल गिवन है, एरिया पूछ रहा है, तो आपको साइड निकालने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एरिया बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो है लेंथ ऑफ अ डायगोनल, लेंथ ऑफ अ डायगोनल आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये आपका ए है और ये आपका ए है। अब यहाँ पे अब देखो ये क्या है, ये आपका है आपका स्क्वायर। एक यहाँ पे आपको ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल। और राइट एंगल ट्रेंगल में आपका ये और ये दोनों साइड गिवन है, और अगर आपको ये चीज पूछ रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स एक्चुअल में ये क्या आ गया, 2a स्क्वायर, और इसको आप बोल सकते हैं रूट 2, और ए स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर आ सकता है, मीन्स रूट 2a जो होगा वो आपका होगा लेंथ ऑफ अ डायगोनल। तो देखो अब स्क्वायर से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था वो हम आपको कंप्लीट बता दिए। तो अब आपको स्क्वायर पे और कोई भी न्यू फॉर्मूला देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं इसके बाद वाले का, वो कौन सा आपका, रेक्टेंगल। आपको पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उसका जो साइड्स का लेंथ है वो केवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये L होता है और B होता है, मीन्स ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम आपको पेरीमीटर का बात करें तो सिंपली आप क्या करोगे, L दो पीस है और B यहाँ पे दो पीस है, तो 2L प्लस 2B, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो L प्लस B, ये आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद नहीं करना है, याद नहीं है, अगर याद है तब तो लिख लो फॉर्मूला, याद नहीं है तो डायरेक्ट लेंथ को ऐड कर लो, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तब बात कर रहे हैं जब आपको पेरीमीटर गिवन हो। पेरीमीटर गिवन हो तो आप कैसे करोगे, देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, पी इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये अभी आपको फॉर्मूला बताएं। अब इसमें अगर आपको क्या फाइंड करना हो लेंथ, तो आप क्या करोगे, मीन्स ये आपका लेंथ है और इसी को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस 2p को डिवाइड कर दो, मीन्स 2 को, तो ये गया p बाई 2, और ये जो b बच गया इसको इस साइड ला करके माइनस कर दो, माइनस b,
तो अगर हम आपको बोले लेंथ इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली अगर आपको यहां से बी पूछता है तो पी बाय 2 माइनस एल हो जाएगा बी का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया। अगर कहीं आपको कोई चीजें नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बैक करके देखो, चीजें समझ में आ जाएगा 100%। अगर हम बात करें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि जब भी इस टाइप का फिगर होता है तो हम लोग उसका ये पोर्शंस को और इस पोर्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एल है और ये बी है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा एल इंटू बी, यही आपका इसका क्या होता है एरिया। अब अगर हम लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल का बात करें, यहाँ तो लेंथ बात किए थे सर, हाँ बात किए थे, बट यहाँ पे जब पेरीमीटर गिवन हो तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब आपका एरिया गिवन हो, मींस ये फॉर्मूला जो है एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी आपका हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बी ए एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए अपॉन बी, ए अपॉन बी ये आपका क्या हो जाएगा लेंथ इक्वल्स टू। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे बी का वैल्यू पूछ रहा है ब्रेथ इक्वल्स टू, तब भी हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय एल, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल चीजें हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस, अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन डायगोनल इज गिवन। अब यहाँ पे देखोगे कि आपका इसका भी डायगोनल क्या होता है दोनों सेम। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर कि दो जो डायगोनल है वो सेम है या डिफरेंट है? देखो जो भी फिगर का एंगल 90 डिग्री होगा सारा एंगल, उसमें जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज सेम होगा, ये चीजें आप माइंड रखो। मींस दो ही फिगर ऐसा है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम आप बात करें एरिया 1/2 इंटू डी इंटू डी मीन्स डी स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन डायगोनल इज गिवन 1/2 इंटू डी स्क्वायर, स्क्वायर का भी अगर आप देखोगे तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर था। अब अगर यहाँ पे बात करें लेंथ ऑफ अ डायगोनल का, तो देखो लेंथ ऑफ डायगोनल कौन सा पोर्शंस का बात हो रहा है, इस पोर्शंस का, और यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ये सारा एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रेंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो बी स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कन्फ्यूज मत करना कैपिटल स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल लिख रहे हैं तो मीन्स सेम ही चीज का बात हो रहा है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो है वही हो जाएगा लेंथ ऑफ अ डायगोनल। चीजें समझ में आ रहा है? तो दो फिगर हम लोग का कंप्लीट हो गया, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम में, जहां पे आपको चार फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम में टोटल चार नहीं, यहाँ पे 5 फॉर्मूला है, बाद में चेंजेस हुआ होगा, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा मिल गया होगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप सारा साइड ऐड करो एल एल और बी बी मीन्स एक्चुअल में ये क्या हो गया 2L प्लस 2B मीन्स एक्चुअल में 2 अगर आप कॉमन लोगे तो L प्लस बी। अभी सेम फॉर्मूला था, हाँ बिल्कुल सेम है, जो रेक्टेंगल का था वही होता है। अब लेंथ ऑफ ए पैरेललोग्राम सिमिलरली अभी भी हम लोग लिखे थे वहाँ पे कि क्या हो जाएगा अगर पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी है तो यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले इस 2 को इधर डिवाइड करो पी अपॉन 2 माइनस ये बी को सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा आपका एल इक्वल्स टू। सिमिलरली अगर आप बी इक्वल्स टू लिखते हैं तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एल, ये चीजें समझ में आ गया। अब बात करते हैं एरिया का। अब देखो यहाँ पे जो है एरिया अगेन आपको 2 देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एरिया जो है एक होता है सिंपली ये बेस इंटू हाइट, ये वाला हाइट दिख रहा है ना आपको, एक तो एरिया इसका हो गया 1/2 इंटू 1/2 नहीं केवल बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम का, सिंपल है, अगर एरिया इक्वल्स टू आपका बेस इंटू हाइट है तो अगर हाइट आपका पूछे तो क्या करोगे एरिया अपॉन क्या हो जाएगा ये बी, बट ये तब होगा जब आपका एरिया गिवन हो तभी आप ऐसे हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक और एरिया का बात करें तो आप कैसे करोगे, सिंपल है जी, क्या कि यहाँ पे आपको डायगोनल गिवन होगा, यहाँ पे डायगोनल डिफरेंट लेंथ का होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे डी वन होगा इसको डी टू सपोज कर लेते हैं, तो एरिया पैरेललोग्राम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू। चीजें समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पैरेललोग्राम का भी सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो कौन सा है रोम्बस। रोम्बस में भी आपको 5 फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर सिंपल है जी, कुछ नहीं करना है इसका, सारा साइड्स को क्या करना है ऐड, और सारा साइड को ऐड करोगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स एक्चुअल में ये 4a हो जाएगा, जिसको आप 4 × साइड्स भी लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड ऑफ अ रोम्बस। साइड ऑफ अ रोम्बस व्हेन पेरीमीटर इज गिवन मीन्स एक्चुअल में p इक्वल्स टू आपके पास है 4a, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p डिवाइडेड बाय 4 मीन्स एरिया मीन्स a 4 साइड, स्मॉल a लिखा हुआ मीन्स साइड, तो p अपॉन 4 ये हो जाएगा आपका साइड। अब बात कर लेते हैं अगेन एरिया ऑफ अ रोम्बस। एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पे होगा d1 into d2 डायगनल। जनरली जो रोम्बस का एरिया होता है वो डायगनल को यूज करके निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 into d1 into d2, एक एरिया हो गया। सेकेंड एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप किसका निकालते हैं पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेस, बेस 4 हम लोग ए है तो ए ही लेंगे, और एच 4 हाइट, बेस इंटू हाइट। अभी कुछ टाइम के लिए हम इस ए को बी चेंज कर देते हैं मीन्स बेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये चीजें समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे अगेन एक साइड्स ऑफ अ रोम्बस है। साइड ऑफ अ रोम्बस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखो, आपका एरिया इक्वल्स टू क्या है, बेस इंटू हाइट, इसी का यूज करो ना। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एच इक्वल्स टू एरिया अपॉन बेस, इस बी को इधर क्या कर दोगे डिवाइड। सीजे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका रोम्बस भी हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं किस चीजों का, अब बात करते हैं हम लोग ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम में केवल 2 फॉर्मूला है, क्या, एक पेरीमीटर और एक एरिया का। पेरीमीटर क्या होगा, सारा साइड ऐड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी मीन्स एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2c। अब ये सी सी भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो सिंपल आपको ऐड करना है सारा साइड को। अब बात करें अगर इसका एरिया का, तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू हाइट, हाइट ये है आपका, तो ये हो गया एच मीन्स एरिया इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये आपका हो गया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ठीक है। तो चीजें आपको ऐसे करना है। अब एक और बच गया आपका स्केलेन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको 2 फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे है सबसे पहले आपका पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑब्वियसली अगर साइड ए बी सी डी गिवन हो, ए बी सी डी, तो आप इसको क्या कर लोगे, इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करें इसका एरिया को, तो देखो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, देखना। अगर हम ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया का बात कर रहे हैं, मींस यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा, एक ए बी डी, तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ए बी डी निकाल लें, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी कर दें, एरिया ऑफ बी सी डी दोनों का एरिया अगर ऐड कर दे दोनों ट्रायंगल का, तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा, एस सर निकल जाएगा बिल्कुल। देखो 1/2 इंटू इसका एरिया क्या होगा, यहां से देखो ये इसका बेस है, बेस मींस क्या हो रहा है बी, तो यहां से हो गया बी, और हाइट क्या है, हाइट 4h1 ये हाइट है ना, तो यहां से हो गया h1 प्लस इसका अगर आप एरिया देखो तो 1/2 यहां पे क्या बेस होगा, अगेन यही बेस होगा बी डी ही बेस होगा, देख लो यहां से, तो यहां पे बी डी मींस बी, उसका लेंथ बी सपोज किया, और यहां से ये क्या है आपका h2 मीन्स अगर आप देखो तो 1/2b और 1/2b दोनों से कॉमन आ रहा है, 1/2 इंटू बी अगर आप कॉमन ले लोगे तो h1 प्लस h2 मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया। चीजें समझ आ रहा है आपको, चीजों को समझो कि कैसे चीजें वर्क कर रहा है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया मिस, टोटल ये आपका क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको एक भी फॉर्मूला नहीं रखना है, होता ही नहीं है, इतना ही सारा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है। 2 फिगर कंप्लीट हो गया, ट्रायंगल का सारा फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल का सारा फॉर्मूला।
अब हम बात करते हैं सर्कल का। अब सर्कल में सबसे पहले आपको जानना होगा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मीन्स एक्चुअल में पेरीमीटर, ठीक है। जो हम लोग वहां पे पेरीमीटर बोल रहे थे उसी का यहाँ पे नाम चेंज करके सर्कमफेरेंस कर दिया है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपल होता है 2πr। अब क्या क्या है ये बोला, देखो यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायमीटर। ऑलरेडी आपको पता होगा, तो अगर कभी कभी आपको डायमीटर गिवन हो तो रेडियस इक्वल्स टू क्या करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका रेडियस। ये चीजें आपको पता ही होगा। अब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ अ सर्कल का, देखो यहाँ पे जो हम रेडियस का बात कर रहे हैं वो तब बात कर रहे हैं जब आपके पास पेरीमीटर गिवन हो। समझ में आया, पेरीमीटर गिवन हो तो आप रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो आपके पास क्या है, 2πa इंटू आर, इसको आप क्या लिखोगे, ये आपका क्या है सी फोर सर्कमफेरेंस। अब देखो सी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन पाई मीन्स सी डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड पाई, तो यही क्या हो जाएगा आपका आर। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं अगर सर्कमफेरेंस गिवन है तो रेडियस इक्वल्स टू ये 2 पाई को नीचे डिवाइड कर देना, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। एरिया ऑफ अ सर्कल सिंपल है जी, कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया है। कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना बेटर होता है और ये सारा लोगों को याद भी होता है, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस में 2 पाई आर और एरिया में पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगेन रेडियस ऑफ अ सर्कल, हाँ जी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये एरिया इक्वल्स टू ये है तो इससे अगर रेडियस फाइंड करना हो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ए अपॉन पाई, पाई से डिवाइड कर दिए और आर, आर का स्क्वायर था तो इधर क्या डाल देंगे, रूट, रूट डाल देंगे तो आर इक्वल्स टू रूट अंडर एरिया अपॉन पाई। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप निकाल सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, नहीं बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं। आपको अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है आप उसी से फाइंड कर सकते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आपको यहाँ पे देखने के लिए ये मिल जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में क्या है, सिंपल दो फॉर्मूला, एक सर्कमफेरेंस, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको रॉन्ग करते हैं, इसमें स्टार लगा लो, ये सबसे ज्यादा रॉन्ग करने वाला क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। और एक है एरिया। एरिया सिंपल है, जो आपका एरिया ऑफ अ सर्कल होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। बट सर्कमफेरेंस के केस में क्या होता है, देखो अगर हम आपको पूरा सर्कल बताएं तो उसका एरिया कितना, उसका आपका सर्कमफेरेंस कितना था, टोटल 2 पाई आर, कितना था 2 पाई आर मीन्स 2 पीस पाई आर। तो अगर हम इसको हाफ हाफ में डिवाइड करें तो यहां से यहां तक का जो कितना होगा पाई आर, और यहां से यहां तक क्या होगा पाई आर। चीजें समझ में आ गया कि इधर इतना दूर का पाई आर और उधर हाफ का पाई आर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मीन्स इस लेंथ का हमको मिल गया पाई आर। बट जो सेमी सर्कल बना हुआ है वो केवल उतना ही नहीं बना हुआ, स्टूडेंट क्या करता है 2 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा, आ गया पाई आर जी, लो, बट पाई आर इसका आंसर नहीं है, ये गलत है। और क्या होगा, देखो ये जो लाइन है जब तक आप इस लाइन को ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक सेमी सर्कल नहीं बनता है। इट मीन्स इसका लेंथ क्या है आपका, इसको आप अगर आर बोलोगे तो ये आर मीन्स क्या हो जाएगा 2r, यहाँ पे आपको 2r एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तब इसका आपका फॉर्मूला आएगा। अदरवाइज आप इसी को बोल सकते हैं पाई आर प्लस पूरा का लेंथ, अगर आप एक ही साथ बोलते हैं डी फोर डायमीटर तो आप इसका डी लिख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलती करता है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें स्पेशली। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद वाले फॉर्मूले का क्या है, वो है आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे भी आपको दो फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। सर्कमफेरेंस का बात करें, अगेन ट्विस्टेड है, वही चीजें कि 4 से डिवाइड करने से नहीं आएगा बट ये आ जाएगा। इसका क्या है, इसका है आपका पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, 4 से डिवाइड कर दो जी, आ गया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया। बट सर्कमफेरेंस में अगेन आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो था, टोटल जो आपका सर्कल कंप्लीट सर्कल था उसमें क्या था, उसका टोटल अगर आपको बात करें तो क्या था 2 पाई आर। अब इसको सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करने, 4 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये कैंसिल होने से क्या आ गया पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2 जो ये लेंथ आया ये कहां से कहां तक का लेंथ आया, ये केवल इतना ही दूर का लेंथ आया,
पाई आर बाई टू जो आया वो इतना ही दूर का लेंथ आया है, पाई आर बाई टू। इसमें प्लस करना होगा क्या, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आर और ये जो लेंथ है आर, इस दोनों लेंथ को भी ऐड करना होगा, मीन्स आर प्लस आर कितना 2R, तभी आपका आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, या फिर यहाँ पे पेरीमीटर भी आप बोल सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीजें नहीं पढ़ने के लिए मिला होगा, बट अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप इसको पढ़े होंगे, या फिर नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। क्या है वो, देखो सेक्टर हम लोग पहले बोलते किसको, ये पहले समझ लो, ये आपका पूरा सर्कल है, इसमें ये जो पोर्शन है यहाँ से जो फॉर्म हो रहा है, सपोज ये वो है, ये ए है और ये बी है, तो वो ये बी जो ये बना रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब यहाँ पे दो सेक्टर हो गया, एक ये स्मॉल जो है इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले तो देख लो पेरीमीटर ऑफ अ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर मींस आपको यहां से यहां तक का लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक का लेंथ अगर हम बात करें तो ये कैसे आता है, ये आता है आपका यहां से यहां एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो आपको करना है थीटा अपॉन टोटल जो इसमें बन रहा है, टोटल, टोटल क्या, टोटल यहां पे आपको जो बन रहा है 360, तो यहां पे आपको डिवाइड करना है 360 इनटू जो पेरीमीटर होता है उसको लिख देना है। ये एक्चुअल में होता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 टू पाई आर, बट ये जो दिया है वो केवल आपको ए बी लेंथ ही दिया है। अब इसके आगे क्या, यहाँ आपको ये लेंथ दोनों ऐड करना होगा, यहाँ पे ये क्या है दोनों रेडियस, मीन्स यहाँ पे आपको 2R ऐड करना होगा। चीजें समझ में आया। अब अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर, एग्जैक्ट आपको सिमिलरली ही फाइंड करना है, बट केवल थीटा को आपको चेंज कर देना। कैसे चेंज करोगे, सिंपली यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनता है 360 में अगर ये पोर्सन थीटा है तो जो रिमेनिंग पोर्सन है वो कितना बच जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको केवल चेंज कर देना है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर प्लस 2R, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। एरिया बहुत ही इजी है, सिंपल कर दो थीटा अपॉन 360, थीटा कौन सा, ए वाला थीटा, और जो इसका एरिया होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, बस जी इतना ही इसका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप दो वे से फाइंड कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास माइनर सेक्टर निकल गया है तो आप एरिया ऑफ सर्कल में माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। और सेकेंड क्या है कि थीटा चेंज कर लो, तो थीटा चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन सेम चीजें होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही आपको करना है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट है सिगमेंट, सिगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है, एरिया ऑफ अ माइनर सिगमेंट, एरिया ऑफ अ मेजर सिगमेंट। यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया, ये क्या होता है सिगमेंट ऑफ अ सर्कल। आप लोग सिगमेंट ऑफ अ लाइन पढ़े होंगे, सिगमेंट ऑफ अ लाइन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड सिगमेंट, दैट्स इट। तो यहीं पे आपको क्या है, मीन्स अगर हम आपको बोल रहे हैं सिगमेंट ऑफ अ सर्कल, इट मीन्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सिगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सिंपली इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं ए ओ बी, इसको ओ बांधते हैं, ये है बी है, मीन्स एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो पहले लिखेंगे, क्या था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लिए। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर में अगर हम लोग इस ट्रेंगल का ए, मीन्स ये वो है ना, वो ए बी, इस ट्रेंगल का अगर हम लोग एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे इस पूरे सेक्टर में तो किसका एरिया बच जाएगा, ये पोर्शन जो हम शेड किए इसी पोर्शन का, ठीक है, बट इसका एरिया होगा क्या। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका एरिया हम आपको पीछे भी बताए थे, आपको एक ऐसा ट्रेंगल हम बताए थे जिसमें बोले थे कि अगर ये थीटा है और अगर ये आर है, अगर ये आर है तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा।
इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, माइनस वन बाय टू आर स्क्वायर साइन थीटा, इसलिए हम ये फॉर्मूला आपको बताए थे वहां पे। अब समझ में आ गया। अब देख लो मेजर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट में आप क्या करो, सिंपल माइनर सेगमेंट फाइंड कर लिए हैं तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल में, एरिया ऑफ अ सर्कल में आप क्या करो, माइनर सेगमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनर सेगमेंट को, ये आपका ज्यादा इजी होता है, ठीक है। बट अगर आप तब भी चाहते हैं कि नहीं हम फार्मूला के थ्रू ही निकालें, सिंपल थीटा को रिप्लेस कर दो, थीटा को चेंज कर दो 360 माइनस थीटा से, आप इससे चेंज करोगे तो आप फाइंड कर लोगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगा, जब आप इस थीटा को चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सपोज अगर थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 60 और आप यहाँ पे 360 माइनस थीटा किए तो आपका कितना आ गया 300। अगर आपको साइन 300 का वैल्यू नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ सर्कल में ही माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लें, जो इजी है उसी को करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक फार्मूला और बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ अ रिंग या रिंग ऑफ अ सर्कल। ये सिंपल है, इसको आप बहुत बार पढ़े होंगे कि जो रिंग बन रहा है इसका आपको एरिया निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये जो आर है कैपिटल वो आउटर सर्कल का है और ये आर है स्मॉल ये इनर सर्कल का है। आउटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और उसमें से इनर सर्कल का आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आपका जो वैल्यू आएगा वो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ अ रिंग। तो यहाँ पे आप लोगों का एंड होता है 2D फॉर्मूला। 2D जितना था वो सारा कंप्लीट आपका हो गया। इसके बाद आपको एक भी फॉर्मूला 2D में नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं 3D का। अब 3D में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 3D में क्या क्या फिगर होता है, ये पहले आप देख लो ताकि आपको चीजें इजीली थोड़ा सा समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेन स्लाइड में। ये है आपका मेन स्लाइड, यहाँ पे आपको दिखेगा ये क्यूब होता है, एक आपका क्यूबॉइड होता है, आपका एक सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर होता है, कौन होता है, स्फेयर होता है, होलो स्फेयर होता है, हेमी स्फेयर होता है, होलो हेमी स्फेयर होता है, और ये फ्रस्टम होता है। मीन्स टोटल आपको 10 फिगर हम बताएंगे 3D में, जिसका हम आपको सारा चीज़ें बताने वाले हैं। चीज़ें समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, क्यूब का। क्यूब का क्या क्या बात करेंगे वो अभी हम लोग वहाँ देखते हैं। चलो इतना प्यारा सा क्यूब आ गया है, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, एक एक करके फाइंड करते हैं। यहाँ पे टोटल आपको कितना चीज़ें जानना है, इसका वॉल्यूम जानना है, लेटरल सरफेस एरिया जानना है, टोटल सरफेस एरिया जानना है, टोटल सरफेस एरिया व्हेन ओपन और लेंथ ऑफ अ डायगोनल, इतना चीज़ें आपको यहाँ पे जानना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का, तो देखो कोई भी जो 3D फिगर होता है अगर उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम एक लाइन में बोले तो सिंपल होता है, हाइट इंटू एरिया ऑफ अ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये आपका क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है किसी भी 3D फिगर का। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे जो क्यूब बना है ये किस फिगर का बना है, तो ये बना है आपका स्क्वायर का, स्क्वायर शीट का बना है। तो स्क्वायर शीट का बना है तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो सबसे पहले लिख लिए ये स्क्वायर, क्योंकि ये सपोज किए। उसके बाद इसका हाइट क्या है, हाइट भी ए ही है, तो इसको एक बार और इंटू करेंगे ए से, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ए स्क्वायर इंटू ए का पावर 3, मीन्स साइड क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है, लेटरल मीन्स एरिया ऑफ अ वॉल, मीन्स जिस रूम में आप हैं उसका छत और नीचे का एरिया अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी जो वॉल का एरिया बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब बताओ यहाँ पे अगर ये आपका एक स्क्वायर है तो इसका एक वॉल का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, ये स्क्वायर हो जाएगा एक साइड का। टोटल कितना साइड होता है, 6, बट हम लोग का ऊपर और नीचे का तो लेना नहीं है, कितना साइड बच गया, 4, तो यह जगह 4a स्क्वायर, एक का a स्क्वायर, 2 का 2 पीस स्क्वायर, 3 का 3 पीस स्क्वायर, 4 का 4 पीस स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल कितना पीस होता है, 6 पीस, इसको भी आप काउंट कर लो नीचे भी, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। चीजें समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया व्हेन ओपन, मीन्स टोटल सरफेस एरिया तो फाइंड करना है बट आपको ओपन है वो, ओपन मीन्स देखो बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि आप एक रूम को पेंट कराने का एरिया उसका कॉस्ट फाइंड करो,
तो मींस आपको पहले क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। बट एरिया में आप नीचे तो नहीं काउंट करोगे, नीचे तो पेंट नहीं करोगे ना आप, तो उस सिचुएशन में आपको फाइव साइड का एरिया फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, फाइव ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, एक साइड है ही नहीं, फाइव साइड है, फाइव ए स्क्वायर। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इसमें मैक्सिमम कितने लेंथ का कोई रॉड को हम लोग डाल सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना होता है, मीन्स इस कॉर्नर से लेकर के आप इस कॉर्नर तक, मीन्स अगर आप अपने रूम में हैं तो आप इमेजिन करें कि एक रूम का जो नीचे वाला पोर्शन है, दूसरे साइड का ये ऊपर वाला पोर्शन को अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या होगा ये, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स अगर आप इसको ऐड करोगे तो थ्री ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो रूट में बच जाएगा क्या, रूट थ्री इंटू ए। ये होता है आपका क्यूब का लेंथ ऑफ डायगोनल। तो क्यूब का सारा फॉर्मूला आपका हो गया फिनिश। चीजें समझ में आया। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों सेम ही तो होते हैं, बट केवल उसका लेंथ में डिफरेंट होता है, डायमेंशन में। ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, और ये इसका हाइट है। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम का, अभी हम आपको पहले ही बताए थे कि बेस जो है उसका एरिया और इंटू हाइट। तो ये किस चीज से बना हुआ है, रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो यहाँ पे एल इंटू बी, और यहाँ पे हाइट के प्लेस पे एच है, तो एरिया इंटू हाइट मीन्स एल इंटू बी इंटू एच हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे मीन्स फोर साइड का। अब देखो अगर हम इस साइड का बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एच इंटू बी, एच इंटू बी, और अगर हम इस साइड का बात करें तो क्या होगा, एल इंटू एच, एल इंटू एच। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, एल इंटू एच एक साइड है तो उसके साइड भी तो होगा, तो दो पीस होगा एल एच, प्लस ये अगर एक पीस है तो उसके सामने भी तो एक फेस होगा इस साइड जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, टू इंटू आपका एच और बी। अब यहां से अगर आप एच और टू कॉमन ले लो तो क्या होगा, एल प्लस बी। ऐसे आपको चीजें याद रखना है, समझ आया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। अब देखो अभी हम लोग ये कितने साइड का निकाल लेते, चार साइड का, इसी में एक साइड का और ऐड कर देना, कौन सा, बॉटम का और टॉप का। तो बॉटम का है कितना, एल इंटू बी, ऊपर का भी कितना होगा, एल इंटू बी। तो मीन्स इसी में अगर हम लोग टू इंटू एल बी ऐड कर ले और ये सारा लिख ले, ये हो जाएगा टू बी एच प्लस टू एच एल। देख लो ये हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, और ये टू बी एच, ये देख लो टू बी एच, टू एच एल, ये देख लो टू एच एल। अभी हम लोग लिखे थे सारा वॉल का प्लस ए, मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो आप लोग याद रखते हैं, समझ में आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया वेन ओपन अगर हम बात कर दें तो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो है उसमें आप क्या कर दो, एक साइड और ऐड कर दो, मीन्स लेटरल सरफेस एरिया कितना था, टू एच एल प्लस बी, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया था, मीन्स सारा साइड का एरिया। इसमें आपको टॉप अगर ओपन है तो नीचे का ऐड कर दो क्या, एल इंटू बी, मीन्स प्लस आप एक पीस केवल एल बी क्या करना है, यूज करना है, तो एक साइड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ओपन है। बट ओपन होने के केस में वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम क्या होता है, जितना चीजें हम लोग उसमें फिल कर सकते हैं। अब अगर आप एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास में, ग्लास को आप पानी से फिल कर दिए, अब उसको आप ढक दो या फिर नहीं ढको, पानी में चेंजेस नहीं आएगा, उतना ही वो रहेगा, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब बात कर ले अगर लेंथ ऑफ डायगोनल का, मीन्स इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है इसका लेंथ ऑफ डायगोनल। चीजें सारा समझ में आ गया। तो क्यूब और क्यूबॉइड आपका फिनिश हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे सिलेंडर का। अब सिलेंडर में हम लोग टोटल चार फार्मूला देखने वाले हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हम आपको पहले ही बताएं कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ अ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब अगर हम बोले सिलेंडर का, तो सिलेंडर का बेस किस चीज से बना हुआ है, एक सर्कल से बना हुआ है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ऐसे चीजों को याद रखना होता है ताकि आपको ज्यादा अपना माइंड ना यूज करना पड़े, आप उसको लिंक कर दो फॉर्मूले को, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
कर्व सरफेस एरिया। अगर हम आपको बोले कर्व सरफेस एरिया के लिए तो उसका भी होता है बेसिक। कर्व सरफेस एरिया में सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस इनटू हाइट अगर हम लोग कर दे तो आता है कर्व सरफेस एरिया। देखो अब अगर एक ये सर्कल से बना हुआ है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। यस, सर्कल का 2πr होता है। अब यहाँ पे 2πr आप लिख लिए, अब इसी में अगर आप h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर आपका क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D फिगर। हम केवल सिलेंडर का बात कर नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप 3D फिगर में ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया का, ऑब्वियसली देखो क्या होगा, 2πr h, पहले तो कर्व सरफेस एरिया होगा ही ना टोटल में। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड होगा, क्या एक्स्ट्रा होगा, देखो ना ऊपर एक क्या बन रहा है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे दो पीस सर्कल है, एक ऊपर तो एक नीचे भी, तो क्या कर लेंगे, 2πr2। बट आप लोग क्या याद रखते हैं, यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन ले लिए, यहाँ से h बच गया, यहाँ पे r, ये आप लोग याद करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट अगर हम ये नहीं लिखते तो बोलते क्या क्या बता रहे सर, गलत गलत, नहीं सही है। एक्चुअल में आज जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को याद रखते हैं, ना कि ये रिमेंबर वाला चीज़ें। समझ में आया, तो आप ये चीज़ें याद रखो और इससे क्वेश्चंस बनाओ ना, याद क्यों कर लेना, रट क्यों लेना चीज़ों को। आप आपको दिखाए ना 90 फार्मूला है, मान लेते हैं 90 में 20 ईजी होगा, तब भी आपको 70 फार्मूला याद रखना उतना ईजी भी नहीं है, इसलिए आपको कंसेप्ट पे फोकस करना होगा। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया व्हेन ओपन, अब यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया होगा ही होगा 2πr h। अब हम बोले ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ का एरिया नहीं लेना है, केवल बेस का जो सर्कल है उसी का एरिया लेंगे, तो क्या हो जाएगा, πr2। इस दो सर्कल था ना, एक सर्कल ओपन है नहीं लेंगे तो दूसरा सर्कल लेंगे। समझ में आ रहा है चीजें, ऐसे करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा भूलने वाला फॉर्मूला है वो है होलो सिलेंडर का। इसका जो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम है क्या होगा, सबसे पहले तो आप होलो सिलेंडर समझ लो अच्छे से। ये है आपका एक होलो सिलेंडर, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और यहां से यहां तक का जो पोर्शन है लास्ट तक इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब अगर हम आपको वॉल्यूम पूछे तो क्या करोगे, देखना, सबसे पहले आप कैपिटल आर यूज करके अगर आप वॉल्यूम निकालते तो पूरा वॉल्यूम निकल जाता है। अब आप क्या करोगे, दूसरे बारी ये स्मॉल आर का यूज करोगे तो ये उसका वॉल्यूम दे देगा जो ये खाली पोर्शन है, पूरा हॉल है उसका एरिया आपको दे देगा, मीन्स वॉल्यूम दे देगा। तो आप क्या करोगे, जो पूरा वॉल्यूम निकाले थे उसमें से ये अंदर वाला वॉल्यूम हटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, होलो सिलेंडर। अब देख लो होलो सिलेंडर का डिफरेंट डिफरेंट वे से, ये इसका स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर है, यहाँ से देख लो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। आप हाइट इधर से भी देख लो, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट, यहाँ पे भी हम आपको दिखा दिए, ये इसका हाइट है और यहाँ पे इसका स्मॉल आर है और यहाँ से यहाँ तक इसका कैपिटल आर है। चीज़ें समझ में आ रहा है, देखो वॉल्यूम में पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया, पूरे वॉल्यूम का वॉल्यूम निकल गया, मीन्स पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो स्मॉल आर से लेकर के ये वॉल्यूम निकाले वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। आप लोग इसको कैसे याद किए हैं, पाई और एच कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही याद किए हैं ना, गुड। बट रटना नहीं है चीज़ों को, समझना है। अगर हम बोले इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर मतलब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है अंदर वाला पोर्शन जो यहाँ से अंदर दिख रहा है पूरा, उसको बोलेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया। अब बताओ जो इनर कर्व सरफेस एरिया है ये एक्चुअल में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ही है सिलेंडर का, बट यहाँ पे रेडियस कौन सा लेंगे, स्मॉल वाला, तो क्या हो जाएगा, 2πr h। अभी तो बताए थे कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू हाइट, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस इंटू हाइट क्या हो गया, 2πr h। अब सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये तो बता देंगे सर क्या होगा, 2πR h, बिल्कुल सही, यही होगा इसका फॉर्मूला। यहाँ पे ये जो आउटर पोर्शन है ना इसका बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर क्या होगा, सिंपल है,
इनर और आउटर दोनों का कर्व ऐड कर दो ना, वही तो हो जाएगा टोटल। ऐड करो 2πRh + 2πRh, बिल्कुल। अब यहां से 2πH कॉमन ले लो, 2πH कॉमन ले लिए तो R प्लस R बच गया। यही होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। अब बात आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। अब यहां पे क्या होगा, ये सबसे मेन और सबसे चैलेंजिंग फॉर्मूला यही है, देखना आराम से समझना। टोटल अगर हम सरफेस एरिया बोले, इट मींस ये इनर का भी आउटर का भी और एक और पोर्शन, देख लो पहले इसको, तो पहले लिख लो 2πHr + R, ये लिख लिया हम लोग टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा एरिया कौन सा ऐड करना है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या बन रहा है, एक रिंग ऑफ अ सर्कल, रिंग ही तो बन रहा है ये। अब इसका एरिया क्या होता है, πr² - πr², अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बताए हैं। तो यहाँ पे एक एक साइड का रिंग का हुआ, बट एक सिलेंडर में एक ही रिंग होगा क्या, एक ही साइड होगा, तो एक उसके बैक में भी तो होगा, मीन्स एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, दो रिंग होगा, मीन्स +2πr² - πr². अब आप इस फॉर्मूले को याद करो, इतना बार भूलोगे कि आपको याद करते करते आप परेशान हो जाओगे, बट अगर आप एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चीज़ों को ऐसे किया जाता है, चीज़ों को समझ करके किया जाता है, जिससे आपको क्या हो कि प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, सारा तो इसमें कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका कौन। कौन बहुत सिंपल है जी, कुछ नहीं करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड करना है। कौन पहले बोलते किसको है, कौन में ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, और इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट क्या होता है, आप देखोगे तो ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एल है तो एल इक्वल्स टू क्या होता है, एल इक्वल्स टू √H² + R² बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको L नहीं दिया हुआ है, H और R दिया हुआ है, तो आपको ऐसे L फाइंड। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये देखो सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, जो है πr² H आ रहा है कुछ दिमाग में, क्या है ये, उसी को 3 से डिवाइड करना है। मीन जो वॉल्यूम है आपका सिलेंडर का, उसको अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हैं, वही आपका वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाता है। चीजें ऐसे रिलेट किया जाता है। अब हम अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया मींस ये वाला पोर्शन, 3D फिगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका एरिया होता है πr(L). L4 क्या होता है, सेलेंट हाइट, अभी हम आपको बताए थे। अब इस फॉर्मूले को हम आद कैसे रखें, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², हम इसको क्या किए, πr × R, और एक आर को रिप्लेस कर दिए एल से, तो क्या हो गया πr(L). ऐसे माइंड लगा करके आप इसको याद रख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, πr(L), ठीक है। अब अगर हम बात करें आप टोटल सरफेस एरिया का, तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो पहले आएगा ही, बिल्कुल आएगा। अब इसी में आप देखो नीचे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, उसका एरिया एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो πr² ऐड कर दो ना, πr². अब यहां से πr कॉमन ले लो तो क्या बच गया, L + R, यही याद रखते हो आप लोग, बिल्कुल यही याद रखते हो, बट याद नहीं रखना है, चीजें आ कहां से रहा है, फिगर देखो फॉर्मूला लिखो, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा एक दो बार लिख करके, फिर चीजें ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन, यहां तक चीजें आ गया कंप्लीट। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, स्फीयर के बारे में। स्फीयर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बताएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है। अब देखो वॉल्यूम में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसमें चीजें थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ क्या होता है, 4/3πr³, कुछ कुछ चीजें आप याद रख लो, ठीक है। 4/3πr³ होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। और अगर इसी का हम बोले टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो भी आप बोलो, टोटल और कर्व इसमें एक ही होता है, ये क्या होता है, होता है 4πr² मींस एरिया ऑफ सर्कल में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर।
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ होलोस्फेयर, होलोस्फेयर मीन्स बॉल होता है ना, अंदर से होल होता है। अब उसमें अगर हम लोग उसका मटेरियल कितना यूज हुआ है वो अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, आउटर का जो वॉल्यूम है उसको पहले निकाल लो। मीन्स यहाँ पे फिर दो आर हो जाएगा, एक आउटर के लिए अगर हम मान लो ये आउटर है कैपिटल आर, और एक यहाँ से मान लो हम लोग एक अंदर से ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर। तो कॉमन ले लो 4/3 और पाई अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब बच जाएगा, यही आप लोग याद रखते हैं। समझ में आ गया, तो स्फीयर और होलोस्फीयर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। होलोस्फीयर का आपको ये टोटल सरफेस एरिया ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स जैसे सर्कल के केस में सेमी सर्कल होता है ना, उसी टाइप से 3D फिगर में हेमी बोलते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल जो वॉल्यूम है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मीन्स 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करो, मीन्स एक्चुअल में आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, नो प्रॉब्लम। अब सेकेंड आ जाता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व बोलो यहाँ पे टोटल नहीं लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे, सिंपल देखो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना था, 4πr² अभी जस्ट हम लोग देखे थे पूरा स्फीयर का। अब उसका हाफ है, हाफ है तो कितना होगा, 2πr² 2πr² हम लोग केवल कर्व का बात करें, जो कर्व वाला पोर्शन है उसका, तो 2πr², बट अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया का तो क्या होगा, सबसे पहले कर्व वाला तो होगा 2πr², इसमें एक्स्ट्रा और अटैच हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सर्कल बनता हुआ, बिल्कुल दिख रहा है, तो सर्कल का भी तो एरिया अटैच हो जाएगा, मीन्स एक और πr² ऐड हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3πr². चीजें समझ में आ गई आपको, कि अगर पूरा पूरा आप स्फीयर का देखते तो 4πr², और हेमिस्फीयर में अगर आप कर्व टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो 3πr², और हेमिस्फीयर में अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो 2πr². इंटरेस्टिंग है, 3πr², 4πr² और 2πr². तो यहां तक आपका चीजें हो गया फिनिश। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आता है होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है बट ये होलो है, अंदर से खाली है, खोखला है, ये क्या होगा। देखो यहाँ पे चीजें आप समझना थोड़ा सा, इसमें हम वॉल्यूम का बात करें अगर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखना समझना, इसमें आपको जो आर देखने के लिए मिलेगा वो दो आर देखने के लिए मिलेगा, एक आपको यहाँ से यहाँ तक आर देखने के लिए मिलेगा और एक पूरा कंप्लीट मीन्स बाहर तक। तो वॉल्यूम जनरली क्या होता है, आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब यहाँ कैपिटल आर लेंगे, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर लेंगे। तो ये क्या हो गया, इसी को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, नो प्रॉब्लम। इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या था, अभी 2πr², 2πr² अभी जस्ट इसके पीछे हम लोग देखे थे ना, ये देख लो क्या था, ये 2πr², इसी को हम लोग यहाँ पे क्या किए, 2πr². इनर का बात किए तो स्मॉल आर का बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर में कैपिटल आर का बात करेंगे, 2πr² आउटर का हो गया। टोटल कर्व सरफेस एरिया, इस दोनों का एरिया को ऐड कर दो ना, 2πr² प्लस 2πr², 2π कॉमन ले लो ना, r² प्लस r², नो प्रॉब्लम। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, देखना टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सबसे पहले तो ये तो होगा ही, टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2πr² प्लस 2πr². यहां तक लिख लिए। अब देखो जो आपका ये होलो हेमिस्फीयर बन रहा है, इसका जो बीच में पोर्शन, ये जो पोर्शन है रिंग वाला, इसका भी तो एरिया ऐड करना होगा ना, बिल्कुल। ये जो रिंग बन रहा है बीच में तो ऐसा ही बन रहा होगा, मीन्स ऊपर वाले पोर्शन में, तो रिंग का एरिया क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे πr² माइनस πr², इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच कर देंगे,
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक पाई और आर स्क्वायर, तो 2 पीस प्लस 1 पीस, 3 पीस, 3 पाई आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसको आप याद रखने का ट्राई करो, देखो कितना बार भूलोगे। ये सब फॉर्मूला ऐसे नॉर्मली याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होता है, इसलिए इसको आप फिगर से रिलेट करके ही याद किया करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद फ्रस्टम का, जो ये लास्ट फॉर्मूला है आज के डेट में। इसके बाद आपका टोटल मेंसुरेशंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। मे बी ये वीडियो अप्रोक्स 1 आवर का बना होगा, बट ये 1 आवर अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं सबसे बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम का बात करें, तो वॉल्यूम में यहाँ पे क्या होता है, आप क्या देखे थे, कौन का देखे थे, 1/3 पाई आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, यही देखे थे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे भी सेम चीज करना है, 1/3 पाई और एच, ये सेम चीज ही रहेगा, बट यहाँ पे जो आर है वो चेंज रहेगा। यहाँ पे देखो, ये इस पे देखो, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, इसको बोलेंगे सैलेंट हाइट, और ये हो गया आपका हाइट। तो यहाँ पे जो आने वाला है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये होता है इसका वॉल्यूम। मीन्स केवल आर के प्लेसेस पे चेंज हो जाएगा फ्रस्टम के केस में। अब अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया वहाँ पे आप क्या देखे थे, पाई आर एल नॉर्मल, किस पे बात कर रहे हैं, कौन का बात कर रहे हैं, ये कौन वाला। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, पाई और एल तो होगा, आर का चेंजेज होगा, आर में क्या होगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये दो चीजें समझ आ गया। अभी एल बताएंगे, एल का क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया तो पहले होगा ही ना, पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये वाला होगा। इसमें अब अटैच करना है आपको, क्या अटैच कर दे, नीचे एक बड़ा सर्कल बन रहा और ऊपर एक स्मॉल सर्कल बन रहा है, स्मॉल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दो जी, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बस। अब यहाँ पे केवल आप जान लो एल का वैल्यू क्या होता है। देखो एल का वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो पोर्शन है इसका आ जाएगा ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैसे, यहाँ तक आर है, यहाँ तक पूरा आर है। अब इतने में अगर ये आर हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से नीचे ले आओगे, तो ये इतना दूर का एरिया क्या बच गया, इतना दूर का लेंथ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल। अब ये वैल्यू आपको निकालना है, मीन्स हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये हाइट है तो दिस मच का स्क्वायर प्लस दिस मच का स्क्वायर, मीन्स आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये आपका हो गया हाइट ऑफ अ सैलेंट हाइट, ठीक है, लेंथ ऑफ अ सैलेंट हाइट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ तक, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, समझ में आया आपको चीज़ें। तो टोटल यहाँ पे हम आपको सारा का सारा फॉर्मूला बता चुके हैं, इसके बाद आपको एक भी फॉर्मूला देखने के लिए नहीं मिलेगा मेंसुरेशंस में। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपको ये सारा चीज़ें याद कैसे रहेगा, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो। देखो इसको क्या करेंगे, पहले आप देखो कि सारा चीज़ें क्या आपको समझ में आया, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आए तो पहले उसको आप जा करके ना फिर से वीडियो रिपीट करो। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आता ना, पहले वीडियो को ना आप 3-4 बार देखो, एक बार देखे फिर 2-4 दिन बाद फिर एक बार देखो, ऐसे 3-4 बार आप चीज़ों को देखो, या तो आप मल्टीपल बार देखो और चीज़ों को देखो कि हम कैसे कर रहे थे फिगर से रिलेट चीज़ों को। ये चीज़ें सबसे पहले आपको करना है ताकि माइंड में चीज़ें आए, जब आपके माइंड में डेटा आएगा ना तो आप उसको क्या कर पाओगे, उसको आप लिंक कर पाओगे। होता क्या है, एक फार्मूला आधे दूसरा आधे नहीं है, और अगर एक आधे दूसरा नहीं आधे तो आप उसको लिंक करोगे कैसे, दोनों आध रहेगा तब लिंकिंग बनेगा ना। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में सारा फार्मूला आना चाहिए। सेकेंड टिप्स आपके लिए कि फार्मूले को हमेशा लिंक करो, लिंक तभी होगा जब आपको याद होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप रिवीजन करो, रिवीजन जितना से जितना हो सकता है उतना करो, और जब भी आप फॉर्मूले को यूज करो तो कभी भी देख करके मत यूज करो,
ट्राई करो खुद से ही फॉर्मूले को बनाने का। मे भी आपको स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, बट ये आपको कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये था आपका मास्टर वीडियो ऑफ मेंसुरेशंस। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट मास्टर वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहिए, उस मास्टर वीडियो इट मीन्स उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला हो, कंसेप्ट हो, टोटल हम आपको उस पर पुट कर देंगे। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक्स है जिस पे आपको चाहिए, आप कमेंट करो। तो चलो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।